हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर गुड। चलिए, आज हम लोग न्यू टॉपिक पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस की वीडियो में हम लोग स्पेलिंग रूल को फिनिश किए। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्सन के बारे में कि पर्सन क्या होता है। चलिए, इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। चलिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके दोस्त सोनू के बारे में। तो जो बात करने वाला हो गया मीन्स आई, मैं क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, और बात किन से हो रही है आपसे, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात कर रहे हैं आपके दोस्त सोनू के बारे में, तो सोनू यहाँ क्या हो गया थर्ड पर्सन। यानी पर्सन कितने टाइप्स का हो गया, फर्स्ट पर्सन आई मीन जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, लिसनर सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन। दैट्स क्लियर। अब देखिए, यहाँ एक कॉलम बनाए हैं। इस तरफ क्या है सिंगुलर नंबर, इस तरफ क्या है प्लुरल नंबर। हम लोग जस्ट पर्सन के बाद टॉपिक है जो नंबर, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि इस कॉलम में जो भी है वो सिंगुलर है, इस कॉलम में जो है वो प्लुरल है। अब इसको याद कैसे रखना, ऐसे याद रखना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो गया आई, मीन्स क्या हो गया मैं, हेल्पिंग वर्ब क्या ले लेगा ये एम, और इसका प्लुरल क्या हो जाएगा वी, इसका अर्थ क्या हो गया हम लोग, और हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा आर। सेम उसी तरह आ जाएंगे हम लोग सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, तुम ये आप, और वर्ब क्या ले लेगा आर, और प्लुरल भी इसका सेम ही होता है यू, आई मीन आप लोग या फिर तुम लोग, और हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है आर। एक चीज़ हम आपको बतलाना चाहेंगे कि पर्सन में सेकेंड पर्सन ही ऐसा है जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों कंडीशन में रहने के बावजूद भी वर्ब क्या लेता है हमेशा प्लुरल आई मीन आर ही लेता है। हालांकि इसका डिस्कस हम लोग करेंगे मेन क्लास में जब आपका प्रोनाउन स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या सब आता है, ही सी इट या कोई भी व्यक्ति का नाम, ये सभी क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही मीन्स क्या होता है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ करेंगे, सी मीन्स वो फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ करेंगे, इट मीन्स वो न्यूट्रल जेंडर के लिए चर्चा यूज़ करेंगे। इट क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। हम लोग प्रोनाउन की टॉपिक में चर्चा करेंगे अच्छे से। इट का यूज हम लोग लिविंग बींग्स के लिए भी करते हैं, और इनका प्लुरल क्या हो जाता है दे, दे मीन्स क्या हो गया वे लोग, और वर्ब क्या लेता है आर। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम आपको बतलाना चाहते हैं कि पर्सन कितने प्रकार का होता है, तीन टाइप्स का होता है, फर्स्ट पर्सन आई मीन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर, और जिसके बारे में बात किया जाए थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लुरल नंबर वी, इसी तरह से याद कर लेना। चलिए आज हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बतलाते हैं, नोट को ध्यान से देखिएगा। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स आर 24। टोटल अंग्रेजी की दुनिया में हेल्पिंग वर्ब्स कितना होता है 24 होता है, विच इज़ रियली कॉल्ड एनामलस फाइनाइट वर्ब, जो रियली क्या कहलाता है एनामलस फाइनाइट वर्ब। हालांकि ये पार्ट है किसका वर्ब का, लेकिन यहाँ आपको इसलिए हम अभी बतला देते हैं ताकि आप अभी जो नंबर हम लोग पढ़ेंगे और नंबर के बाद जो सेंटेक्स पढ़ेंगे उसमें आपको मदद मिलेगा सही सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब लगाने का। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ये टोटल 24 जो एनामलस फाइनाइट कहलाता है इसको हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, क्योंकि ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब का ही टाइप है। ऑक्सिलरी वर्ब दो भागों में बढ़ता है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन भागों में बढ़ता है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, और वर्ब टू हैव, और दूसरा टाइप क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए वर्ब टू बी में कौन सा वर्ब आ जाता है, इज एम आर वाज एंड वर। जिस जब भी कभी चर्चा हो वर्ब टू बी का तो आपका माइंड हिट कर जाना चाहिए कि कितने वर्ब्स के बारे में चर्चा हो रहा है, फाइव वर्ब्स के बारे में, इज एम आर वाज एंड वर के बारे में। और वर्ब टू डू क्या हो जाता है, डू डज एंड डिड, और वर्ब टू बी टू हैव में आ जाता है, हैव हैज एंड हैड। दैट्स क्लियर। यानी ये तीनों क्या हो गया वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के ही टाइप्स है जिनकी संख्या टोटल कितनी होती है 11। अब चलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के दूसरे टाइप्स के बारे में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनकी संख्या होती है टोटल 13। सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड आउट टू, इनकी संख्या होती है 13, और इनकी संख्या होती है
11 और टोटल मिला के कितनी हो गई 24। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यू टॉपिक्स नंबर के बारे में। कि नंबर आखिर होता है क्या। आपको स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बतला दें कि आपका जो एक टॉपिक होता है मेन क्लास में जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो पूरी तरह बेस्ड ऑन है किस पे, नंबर पे। इसलिए नंबर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि आखिर नंबर होता है क्या। नंबर का हिंदी होता है क्या, वचन। नंबर ऑफ एनी नाउन इज कॉल्ड नंबर, यानी नंबर ऑफ एनी नाउन यानी किसी भी नाउन की संख्या, किसी भी नाउन की संख्या को ही क्या कहते हैं, नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ काउ, क्या है, एक गाय। देयर आर मेनी काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बहुत सारी गायें चर रही है कहाँ, मैदान में। यहाँ एक गाय की बात हो रही है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। यहाँ बहुत सारी गाय की बात हो रही है तो ये यहाँ क्या हो गया, प्लूरल नंबर। अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स पे। देयर आर टू टाइप्स, नंबर कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। सिंगुलर नंबर जिसको शॉर्ट में हम लोग SN बोलते हैं, और दूसरा है आपका प्लूरल नंबर जिसे शॉर्ट में बोलते हैं PN। अब इसको रिमेम्बर नहीं करना, केवल आपको समझ लेना। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चर्चा करेंगे सिंगुलर नंबर के बारे में, कि अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इट इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर, यानी जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, एक वचन। जैसे बुक, बुक से क्या हो रहा है, एक बुक की बात हो रही है। पेन, पेन से एक पेन की बात हो रही है। बॉय, बॉय बोले तो एक लड़का की बात हो रही है। गर्ल, एक लड़की की बात होती है। तो सिंपली यूँ समझ ले हम लोग कि जिससे, जिस नाउन से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन, और एक से अधिक हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुवचन, आई मीन प्लूरल नंबर। जैसे अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इट इज सेड टू बी प्लूरल नंबर, यानी जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्लूरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल बुक्स लिखे, यानी एक से अधिक की बुक की बात हो रही है। पेन्स बोले तो एक से अधिक पेन की बात हो रही है। बॉयज़ बोले एक से अधिक बॉयज़ की बात हो रही है। गर्ल्स बोले एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है। दैट्स क्लियर, हम लोग समझे कि नंबर क्या होता है और नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं और दोनों टाइप्स के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर में क्या, कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सीखना है। आइए हम कुछ आपको ऐसे स्पेशल ट्रिक बतलाएंगे, और आपको पूरी तरह अगर कमांड कर लेते हैं तो आई होप कि आपकी पकड़ अच्छी बनेगी, और इसके सहारे हम लोग सेंटेक्स को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग केवल किसका स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के ही बारे में, कि कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो कैसा वर्ब लेंगे हम लोग। आइए सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ सिंगुलर नंबर चेंज इनटू प्लूरल नंबर, कि कैसे सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में कन्वर्ट होता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला रूल का चर्चा करते हैं। इफ एस 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 एच सी एच एक्स एंड जैड आर प्रजेंट एट द एंड्स ऑफ सिंगुलर नंबर, देन ओनली एडिंग ई एस एंड्स ऑफ सिंगुलर नाउन चेंज इंटू प्लूरल फॉर्म। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या लेटर हो, या तो एस या तो एस एस या तो एस एच या तो फिर सी एच या फिर एक्स या जेड, तो हम लोग उसके अंत में ई एस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। देखिए तो यहाँ एक नाउन लिए हैं सिंगुलर, एस बेंच वॉच बज वैक्स, सभी के अंत में देखिए क्या है, डुअल एस क्या है, सी एच क्या है, सी एच क्या है, जेड क्या है, एक्स। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, डुअल एस हो या सी एच हो या जेड हो या एक्स हो, तो केवल उसके अंत में ई एस जोड़ दीजिएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल। अर्थात एस का क्या हो जाएगा, एस एस, बेंच का क्या हो जाएगा, बेंचेज, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेज, बज का क्या हो जाएगा, बजेज, वैक्स का क्या हो जाएगा, वैक्सेस। लेकिन आइए इसका कुछ क्या है एक नोट, इफ साउंड ऑफ सी एच, ध्यान दीजिएगा कि सी एच दो तरह का साउंड देता है, कभी ये को का देता है कभी ये चौ का देता है। जब ये चौ का साउंड देगा तो ई एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। लेकिन क्या, जब ये इफ साउंड ऑफ सी एच इज क
क यानी च नहीं हो के क्या हो क हो, देन ओनली एडिंग एस टू चेंज इनटू पोलर फॉर्म। ये डिपेंड करेगा साउंड पे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक नाउन लिए हैं क्या, स्टोमैक। क्या लिए हैं? स्टोमैक। जस्ट हम लोग अभी इसी के रूल में पढ़े क्या कि अगर सी एच रहेगा किसी सिंगुलर नाउन के अंत में तो ई एच जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनका साउंड यदि सी एच का च नहीं हो के क हो तो सिर्फ क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर से पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी स्टोमैक का क्या हो जाएगा, स्टोमैक्स। मोनार्च का क्या हो जाएगा, मोनार्क। क्या है साउंड, मोनार्क। क्या बन जाएगा, मोनार्क्स। दैट्स क्लियर। आज की क्लास में हम लोग नंबर के फर्स्ट रूल के बारे में चर्चा किए हैं, कल हम लोग कल की वीडियो में इनके नेक्स्ट रूल के बारे में चर्चा करेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।